सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? तो आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिनों से हम गांव में थे अपने, तो लगभग 7 दिन हो गए थे। सोच रहे थे कि एक दिन हम अपने खेत का ब्लॉग बनाए, खेत में दिखाए कैसे लोग रहते हैं, खेती कैसे करते हैं। काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे, तो फाइनली आज अभी निकले हैं खेत की तरफ। अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ रहता है यहाँ पर, गाँव का कैसा व्यू है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आप। तो अभी गाइस, खेत आपको खाली खाली सा मिल रहा होगा, क्योंकि इस टाइम में नवंबर दिसंबर में खाली खाली रहता है, और आपको फरवरी या जनवरी में पूरा भरा भरा मिलेगा। गेहूँ मकई जो भी रहता है उस टाइम बड़े बड़े रहते हैं। अभी तो पूरा अभी सब रोपे हुए हैं, इसीलिए खाली खाली आपको लगेगा। एक बात तो है भाई, अगर खेतों में आओगे ना, यहाँ का हवा, यहाँ का स्मेल सब कुछ खूबसूरत है। यहाँ का भाई भी कुछ अलग रहता है। एंड यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो थोड़ी देर में बैठा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। मतलब शहरों से ज़्यादा मज़ा यहीं पे हमको आया। 10 मिनट स्पेंड किए टाइम, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़ वगैरह सब यहाँ पे काम करते हैं पूरे पूरे दिन। हम लोग 10 मिनट धूप में खड़े नहीं रह सकते। यहाँ पे लोग पूरे दिन खेतों में काम करते हैं, लेडीज़ छोटे बच्चे, एंड खाते हैं डायरेक्ट 1-2 बजे सुबह से काम करते हैं, 1-2 बजे खाते हैं। इधर देखिए, थोड़ा थोड़ा मकई का रोपण पहले से हो चुका था, इसीलिए बड़ा हो रहे हैं धीरे धीरे। एप्पल भी देखिए गाइस, गंदा हो गया। आए थे साफ सुथरा करके, पूरा गंदा हो गया पैर, मतलब मिट्टी चारों बगल है, इसीलिए पैर भी गंदा हो रहा है पूरा यहाँ। और देखिए गाइस, वहाँ पे बोर्डिंग लगा हुआ है, इसी से पानी पटाया जाता है। तो गाइस अभी आए थे शोरूम, थोड़ा गाड़ी सर्विस करना था। हीरो का शोरूम आए हुए, तो गाइस दोनों चीज़ खत्म हो चुके हैं, छठ पूजा एंड वर्ल्ड कप का मैच। रात से काफ़ी डिमोटिवेट हैं एंड काफ़ी सैड भी लग रहा है, क्योंकि सारे मैच जीते आ रहा था हमारा टीम इंडिया, और लास्ट में छठ पूजा के दिन हमारा वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया, सपना सपना ही रह गया। तो इसीलिए बहुत ख़राब लग रहा था, इसीलिए ब्लॉगिंग भी रात में नहीं की, एकदम सा नहीं की, छठ पूजा का भी नहीं बनाए, क्योंकि हमारा जो सपना था काफ़ी दिनों से, 3-4 साल से, और पहली बार मैंने इतना दिल लगा के मैच देख रहा था, तो तब भी नहीं जीत पाया टीम इंडिया।